मैं अपने सभी अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए एक परिवार है इमोल भावना से मानवता की सेवा करते हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री समूह ने दुनिया के 16 देश और 21 सिटी में दौरे किए, उसमें 7,12,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमें प्राप्त हुए। फिर जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने जो देश के घरेलू रोड शो के लिए प्लान किया तो उसमें मुंबई वो स्वयं गए, हम लोग भी साथ में गए। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, इस तरह के जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं सभी ने जो प्रस्ताव दिए वो 5,00,000 करोड़ से ज़्यादा के, तो 12,00,000 करोड़ हो गया। फिर हमने दिल्ली में करी मीटिंग, दिल्ली में 3,00,000 करोड़ के एमओयू प्राप्त हुए। फिर हमने अभी 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ हल्दीराम, कैंटारो, ब्रिटानिया, प्रिया गोल्ड, अनमोल बिस्किट, पेप्सी, इन सारे लोगों के साथ बैठक करी। 79 लोगों ने 76,687 करोड़ रुपए के एमओयू के, तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की बीमारू राज्य की चर्चा होती थी तो जो पिछली सरकारों ने सपा बसपा ने केवल उनके पास एक एजेंडा था कि उनकी नोट कैसे भरे, जेब कैसे भरे, उनका तिजोरी कैसे भरे। कभी इन्होंने नहीं सोचा इंडस्ट्री आए, कभी नहीं सोचा कि सड़कें अच्छी हो, कभी नहीं सोचा एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो। आज हमने ऐसा माहौल दिया है इसलिए इन्वेस्टर आकर्षित। 33,307 करोड़ रुपए का प्रयागराज के लोगों ने एमओयू किया है, मैं उनको बधाई देता हूं और उनको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि सरकार हर कदम पे आपके साथ। थैंक यू सर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय मंत्री।